अगर अपर जा रहा है तो एक कैंडल रेड बनना चाहिए और कैंडल कहाँ बनना चाहिए, मतलब उसके बाद वाली एक कैंडल रेड बनी उसके अगली वाली कैंडल का वेट करो और वो कैंडल कहाँ बनना चाहिए, बोलिंजर बैंड के अंदर। ठीक है, ये बहुत अच्छा इसमें काम करता है बोलिंजर बैंड के हिसाब से। और देखिए हम ट्रेड बीन कर चुके हैं, आप इजीली देख लो। हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए YouTube वीडियो के साथ, जो बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है। ठीक है, और एक तरह का एक न्यू सेटअप किया गया है। ठीक है, और कुछ इंडिकेटर और ऑसिलेटर का यूज करेंगे हम इसमें, और उसके बेसिस पे फिर आपको डिस्क्राइब किया जाएगा कि यह स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो लेके आऊँ डेली अपडेट आपको मिलता रहता है। जो भी न्यू वीडियो लेके आऊँ आप उससे मिस आउट ना हो, आपको सबसे पहले नोटिफाई हो और सबसे पहले आप उसे देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाओगे ये वाले सिंबल पर, आपको लेना पैराबोलिक। ठीक, फर्स्ट सेकंड बार पे क्लिक करोगे आप ओपन इंस्ट्रूमेंट पे, आप जाएंगे बॉलिंजर बैंड पर, ये रहा बॉलिंजर बैंड। ठीक, उसके बाद आप जाएंगे ओपन इंस्ट्रूमेंट ऑसिलेटर में, ऑसिलेटर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑसम ऑसिलेटर। तीनों चीज अप्लाई हो चुके हैं, दो इंडिकेटर है, पैराबोलिक है, बॉलिंजर बैंड और एक ऑसिलेटर है, ऑसम ऑसिलेटर। ठीक, अब बात आती है कि चार्ट टाइम क्या है, ट्रेड टाइम क्या है। ठीक, तो चार्ट टाइम आपको एक मिनट रखना है, चार्ट टाइम आप एक मिनट रखोगे, ट्रेड टाइम एक से दो मिनट रखोगे आप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपसे बता दूं, इसमें कन्वे कर दूं थोड़ा सा, कि जो भी वैल्यू लिए गए हैं सारे डिफॉल्ट बेसिस हैं, कोई भी किसी के पीरियड में कोई चेंजेस नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करनी है, सारे डिफॉल्ट वैल्यू है, इसलिए मैंने इसका नाम भी रख दिया है डिफॉल्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन ट्रेड की बात कर लेता हूँ, फिर अप की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और जूम आउट कर लेता हूँ ये। ठीक है, आराम से देखिए ये वाला पॉइंट देखेंगे आप। यहाँ पर देखिए, जब ये मार्केट इस EMA लाइन को क्रॉस ओवर करके, ये भी देखिए बॉलिंजर बैंड में तीन बैंड होते हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड, और इस वाली को बेस लाइन भी कहते हैं, मिड बैंड भी बोला जाता है। ठीक है, जब इस बेस लाइन को मार्केट क्रॉस ओवर करके डाउन आ रहा है, इस बेस लाइन को मार्केट डाउन क्रॉस ओवर करके डाउन ओवर आ रहा है, फर्स्ट कंफर्मेशन। पैराबोलिक के डॉट ऊपर से मिल रहे हैं, कैंडल के ऊपर से जब पैराबोलिक के डॉट मिलते हैं तो वो बताता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक, दो कंफर्मेशन। ठीक, अब तीसरी कंफर्मेशन हम लेंगे यहाँ से ऑसम ऑसिलेटर से। जब मार्केट नीचे आएगा तो ऑसम ऑसिलेटर पे जो बार होंगे वो जीरो लाइन के नीचे बनेंगे। बार्स कहाँ बनेंगे? जीरो लाइन के नीचे। और आपको देखिए क्लियर व्यू कब होगा, जब कम से कम दो से तीन बार आ जाए, और बार कैसे रहे, असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए छोटा बार आया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो एक असेंडिंग ऑर्डर हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी नोटिस करना है आपको कि कम से कम दो से तीन बार आ जाए। ठीक, और एक चीज और कन्वे करनी है आपको कि ये जो कैंडल है, जो कैंडल इस बेस लाइन को क्रॉस ओवर करेगी उस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, उसके बाद वाली कैंडल का बिहेवियर देखेंगे आप, ग्रीन है या रेड, रेड है तब आप ट्रेड प्लेस करोगे। ठीक है, क्योंकि नीचे आ रहा है तो मार्केट नीचे आ रहा है तो कैंडल का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, रेड। दो चीज, और तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे आप, पैराबोलिक के कम से कम दो से तीन डॉट मिले आपको, पैराबोलिक के कितने मिले, दो से तीन डॉट, तब आप ट्रेड प्लेस करोगे। ठीक है, एक से दो मिनट का डाउन ट्रेड प्लेस करते हैं हम इजीली, यहाँ पर आप विन करते हैं 110%। अभी मैं बता रहा हूँ आपको एडवांटेज सिर्फ जब इस समय लाइन को मार्केट क्रॉस करेगा, सॉरी इस बीच वाली लाइन को क्रॉस करेगा। ठीक है, बेस लाइन को। ठीक, अब यहाँ पे ये तो हो गया लोअर का और हो गया बेस, ये हो गया लोअर ट्रेंड कैसे लेना और हो गया अप ट्रेड कैसे लेना। ठीक है, अब देखिए जब इस लाइन को मार्केट क्रॉस ओवर करेगा, आप देखो तो इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया है, ये कैंडल इसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इस वाली कैंडल पे हम एक मिनट का ट्रेड प्लेस करते, आज ही विन करते, पैराबोलिक के दो डॉट देखते। ठीक, और ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर होता जा रहा था, यानी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा था बार्स। ठीक है, यहाँ पे हम अप ट्रेड प्लेस करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको आपसे बात करूंगा अपर बैंड और लोअर बैंड के बारे में। ठीक है, ये हो गया अपर बैंड ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया लोअर बैंड। अब यहाँ पे देखिए, जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आए, लोअर बैंड को टच करे, किसको टच करे, लोअर बैंड को टच करे, तो बॉलिंजर बैंड क्या करता है, मार्केट अगर थोड़ा बहुत इसके बाहर जाता है तो मार्केट बॉलिंजर बैंड जो होता है मार्केट को अपने अंदर करता है। ठीक है, यहाँ से बाहर आया, बाहर आया, बाहर आया, यहाँ तक रेड कैंडल था, उसके बाद कैसा कैंडल बना, ग्रीन, यानी मार्केट अप जाने की कोशिश। तो जो पहला ग्रीन कैंडल बनेगा उस कैंडल को छोड़ के उससे अगली वाली कैंडल देखेंगे आप। अब देखिए कंटिन्यूअसली रेड आता जा रहा, रेड आ रहा, रेड आ रहा है, रेड बनता जा रहा, एक कैंडल क्या बना, ग्रीन बना। ठीक है, उसकी अगली वाली कैंडल देखेंगे हम कि बॉलिंजर बैंड के अंदर बन रहा है कि नहीं, एक कैंडल ग्रीन बना, इस पे ट्रेड नहीं प्लेस करनी आपको, उसके आगे वाली कैंडल देखेंगे आप ये बॉलिंजर बैंड के अंदर है कि नहीं। ठीक है, बॉलिंजर बैंड के अंदर है, कैंडल का बिहेवियर कैसा है, कलर कैसा है, ग्रीन है यानी अप ट्रेंड है, इस वाली कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करते, फिर पैराबोलिक के डॉट देख लेते, इस वाली कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करते, तो यहाँ पर हम एक से दो मिनट का ट्रेड प्लेस कर लेते।
आराम से विन कर जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो गया। ये देखिए, मिड लाइन वाला मैंने अलग कॉन्सेप्ट बताया, लोअर बाउंड वाला और अपर बाउंड वाला अलग बताया। और देखिए, ये चीजें आप में इम्प्लीमेंट तभी हो सकती हैं जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस बेसिस रहोगे। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। और बार से देखिए, जैसे यहाँ पे ये कैंडल गया, इसके बाद से बार से ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट हो गए। यहाँ तक तो असेंडिंग में आई, मिड सेट था, उसके बाद से देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट हो गया। असेंडिंग डिसेंडिंग बार्ड का आसम ऑसिलेटर पे थोड़ा सा आप समझ जाओगे जब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में आ जाओगे। पहले आप डेमो पे प्रैक्टिस करो रिगार्डिंग टू। और देखिए यार, ऐसे जगह आपको कोई ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। मैं थोड़ा सा लोअर का ट्रेड बता दूं आपको, अगर मार्केट अपर को टच करता हो। देखिए यही बता, देखिए यहाँ से मार्केट अप जा रहा है, अप जा रहा है, अप जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ग्रीन ग्रीन है। ठीक, यानी इसके बॉन्ड के लोअर अपर बॉन्ड के ऊपर जा रहा, फिर लोअर बॉन्ड में आया, ये क्रॉस ओवर कर रहा है, इसमें नहीं ट्रेड करेंगे। उसके बाद अगली वाली पे मैंने बोला है कि बॉलिंजर बैंड के अंदर वाली अंदर होनी चाहिए कैंडल। यहाँ पे भी हम एक मिनट का ट्रेड प्लेस करते हैं। कैंडल भी देखिए यहाँ पे बार्स भी देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट हो गया था। यहाँ भी हम एक से दो मिनट का ट्रेड में इजिली गेन कर जाते हैं। थोड़ा सा कोई पॉइंट लेके मैं देखता हूँ, कोई असिस्ट ले लेता हूँ आपको, कोई पॉइंट लेके दिखा देता हूँ ट्रेड लेके। आज हम देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट अपर जा रहा है, अपर जा रहा है। अब इसकी अभी देखिए बॉलिंजर बैंड के बाहर है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखिए ये मार्केट जो है आपका बॉलिंजर बैंड के बाहर है। तो मैंने क्या बोला, अगर अपर जा रहा है तो उसके बाद क्या होना चाहिए, रेड कैंडल बनना चाहिए। और कैंडल करना कैसा होना चाहिए, बॉलिंजर बैंड के अंदर होना चाहिए। अभी तो बाहर जा रहा है, ठीक है, अभी काफी टाइम है इसमें। ठीक है, तब तक कोई और असिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे भी नीचे आ रहा बॉलिंजर बैंड के लोअर बॉलिंजर बैंड के बाहर। उसके बाद वाली कैंडल ग्रीन बने, ये कैंडल, उसके बाद वाली कैंडल जो है बॉलिंजर बैंड के अंदर हो। बार्स भी हमारे किस ऑर्डर में दिखने लगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे घटते क्रम में दिखने लगे, ऐसे शिफ्ट हो, जैसे यहाँ से बढ़ रहा हो ऐसे यहाँ से शिफ्ट हो, तब जाके हम ट्रेड प्लेस करेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड कैसा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए बार्स अपर जा रहा है। अब देखो मैं रैंडमली आपको दिखाने के लिए एक मिनट का ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, $100 का डाउन का मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, देखिए कैंडल यहाँ बनना है, ये वाला कैंडल भी रेड बना है, पैराबोलिक के भी डॉट नहीं मिल रहे हैं, ना ही हमें बार सपोर्ट। लेकिन ये चीज मैंने बताया है कि आप कहाँ देखोगे, जब इसके ऊपर जाएगा ये अपर को टच कर रहा है, अगर अपर जा रहा है तो एक कैंडल रेड बनना चाहिए। और कैंडल कहाँ बनना चाहिए, मतलब उसके बाद वाली एक कैंडल रेड बनी, उसके अगली वाली कैंडल का वेट करो, और वो कैंडल कहाँ बनना चाहिए, बॉलिंजर बैंड के अंदर। ठीक है, तो ये चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था, कैंडल बेसिस स्ट्रेटजी में एक एडवांटेज था। ठीक है, और उसी बेस पे मैंने ट्रेड प्लेस किया $100 का, और अभी देखिए काफी डिफरेंस है और हम विन करने वाले हैं ट्रेड, इजिली विन कर जाएंगे। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस बेसिस ही करो वो। ठीक है, ये बहुत अच्छा इसमें काम करता है बॉलिंजर बैंड के हिसाब से। और देखिए हम ट्रेड विन कर चुके हैं, आप इजिली देख लो। ठीक है, तो ये तरह का स्ट्रेटजी जो है ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, एक कैंडल बेसिस, जब अपर बॉन्ड को टच करे, जब लोअर बॉन्ड को टच करे, जो पहली कैंडल बनेगी, मतलब जैसा मार्केट जा रहा है उसके अपोजिट जो पहली कैंडल बनेगी उस पर ट्रेड नहीं प्लेस करोगे, उसके अगली वाली कैंडल पर ट्रेड प्लेस करोगे, इजिली विन करोगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब बहुत आसान है, सबसे बड़ी चीज आपको कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी है, सारा कुछ डिफॉल्ट लेना है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही आसान स्ट्रेटजी है। दोस्तों ऐसे ही मैं डेली आपके लिए न्यू वीडियो लेके आता रहूंगा। और अभी तक आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। और दोस्तों अगर आप मेरा VIP टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे मैं 95% एक्यूरेसी के साथ सिग्नल प्रोवाइड करता हूं, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।